नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम डॉक्टर सौमिल मांडलिया है और मैं अहमदाबाद गुजरात में एक रीढ़ की हड्डी के और जॉइंट के एक्सपर्ट के तौर पर प्रैक्टिस कर रहा हूँ। दोस्तों, अगर आपको पूरे हाथ में दर्द हो रहा है, साथ ही साथ में झुनझुनी हो रही है, हाथ सुन पड़ रहा है, तो पॉसिबिलिटी है कि आपको गर्दन से स्लिप डिस्क है। अभी आपको गर्दन में अगर स्लिप डिस्क है तो वो आप घर पे ही कैसे चेक कर सकते हैं, इसके लिए मैं दो सबसे अच्छी साइन आपको दिखा रहा हूँ। ये आप चेक कर सकते हैं, आप पूरा वीडियो एंड तक देखिए तो आपको पता चल जाएगा कि आप घर पे कैसे चेक कर सकते हैं। सबसे पहला तो स्लिप डिस्क होती है तो सबसे पहला हाथ में सेंसेशन में डिस्टर्बेंस होता है, मतलब जैसे C56 और C67, ये दो लेवल जो है गर्दन के उसमें सबसे कॉमन है कि स्लिप डिस्क होती है। तो ये जगह पे, मतलब कि उंगली और ये अंगूठा, इन दोनों के बीच की जो जगह है इसे फर्स्ट वेब स्पेस कहते हैं। यहाँ पर सेंसेशन डिस्टर्ब हो जाता है, मतलब कि आप जैसे वीडियो में देख सकते हैं, ये दोनों हाथ में अगर हम सेंसेशन, कोई आपका घर का रिलेटिव चेक कर सकता है, वो अगर चेक करता है तो आपको दोनों साइड सेंसेशन डिफरेंट लगेंगे। जैसे एक हाथ में सब कुछ नॉर्मल लग रहा है और दूसरे हाथ में सेंसेशन या तो कम लग रहे हैं या फिर थोड़ा करंट जैसी फीलिंग आ रही है, ऐसी दिक्कत हो सकती है। ये सबसे पहली साइन है। और दूसरा, आपको समझिए कि आपको ये हाथ में, दाहिने वाले हाथ में दर्द हो रहा है, स्लिप डिस्क हो गई है उसके कारण, तो ये हाथ जो है इसको आप नीचे लटका के रखिए और आपका मुंह जो है वो ऑपोजिट साइड की तरफ ले जाइए, तो आपको पूरे हाथ में बहुत ही ज़्यादा दर्द होगा और हाथ में वो स्लिप डिस्क वाले सिम्टम आपको लगेंगे। जबकि आप अगर हाथ ऐसे ऊपर की तरफ, अपने सर के ऊपर ऐसे रख देंगे तो आपकी नस जो है वो एकदम रिलैक्स हो जाती है और आपको हाथ का दर्द जो है वो ग्रेजुअली कम होने लगता है। ये दूसरी साइन है कि जिसमें भी पता चलता है कि आपको गर्दन में से स्लिप डिस्क है और उसके कारण ये दर्द हो रहा है। तो दोस्तों, ये दो साइन है, आप घर पे चेक कर सकता है और ये दोनों साइन एक इनडायरेक्ट कन्फर्मेशन है कि आपको गर्दन में स्लिप डिस्क हो सकती है। धन्यवाद।